हेलो एवरी वन सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाइक पॉइंट्स फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एम्स एंड नीट स्पेशली राइट एंड गुड सेट देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन स्मॉल टॉपिक एंड सम एम सीक्यूज रिगार्डिंग अवर लास्ट सिक्स सेवन लेक्चर्स ओके तो एमसीक्यू क्यों देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया है कि किस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो भी थ्योरिटिकल चाहे वो थियोरिटिकल लेंथी क्वेश्चन हो या शॉर्ट लाइन क्वेश्चन हो वन लाइन आंसर हो तो उसमें से किस तरह से आपको एम है वो पूछे जाएंगे तो थोड़े बहुत हम एम डिस्कस करेंगे ओबीसी सारे नहीं कर सकते हम लोग लेक्चर में तो वो आप लोग रेफरेंस बुक रिफर करोगे तब पता चली जाएगा बट थोड़े है वो मैं आइडिया के लिए आपके बताऊंगी एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ स्मॉल टॉपिक एंड फिर फर्दर आगे उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आज उसका एक समझ लो मान लो इंट्रोडक्टरी पार्ट है राइट देन होल टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टूमोरो नेक्स्ट लेक्चर वी कैन से राइट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स सो वो क्या है सम इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टेरियल प्रोटीन सिंथेसिस तो जैसे कि मान लो जैसे कि होता है हमें इन्फेक्शन हो जाता है बहुत बार बैक्टीरियल वायरल एक्सेट्रा राइट जैसे कि बहुत ही कॉमन है कॉमन कोल्ड राइट और फीवर तो उसमें मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जैसे कि हम लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं right? राइट तो ये मेडिसिन है वो बैक्टीरियल सेल को खत्म कर देती बट कैसे ठीक है कहाँ पे जाके वो टारगेट करती तो ये एक फार्माकोलॉजी का एक पूरा, पूरा बड़ा एक क्वेश्चन और थ्योरी है वी कैन से बट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू एंटीबायोटिक्स और उसका टारगेट कि वो कहाँ पे जाके टारगेट करती है बिकॉज ऑफ दैट टारगेट पूरा सेल है बैक्टीरिया का वो खत्म हो जाता है इट मीन ओ बी सी मर जाएंगे और तो जिस तरह से इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है और पर्सन है वो क्योर हो जाता है ठीक है तो हम ये देखेंगे कि किस तरह की एंटीबायोटिक है उसकी इफेक्ट है वो कहां पे है क्योंकि अभी हम लोग ये मेन जो सारी थ्री प्रोसेस होती है वो पढ़ चुके हैं यानी देन ट्रांसक्रिप्शन एंड द लास्ट ट्रांसलेशन राइट तो प्रोटीन बनना यानी किसी भी बैक्टीरिया को अपने सर्वाइवल के लिए अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना होता है तो मान लो ये प्रोटीन ना बन पाए किसी भी तरह से तो बीच की कोई भी प्रोसेस में कोई भी स्टेप में अगर टारगेट हो ऐसी हम मेडिसिन है वो यूज करें या बनाए राइट तो अल्टीमेटली प्रोटीन जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा और अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो बैक्टेरियल सेल है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा राइट right? तो ये एक एम होता है कि लास्ट टारगेट होता है कि किसी भी तरह से प्रोटीन नहीं बनना चाहिए राइट right? तो कहाँ कहाँ पे टारगेट होते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन है बट यहाँ पे हम जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में उस वही मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे अदरवाइज आपको पता ही है बहुत सारी एंड नंबर ऑफ मेडिसिन राइट नाउ इन एनी ऑफ द कंट्री है ना ओके, सो फर्स्ट एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है तो अगर हम उसकी इफेक्ट देखें या तो हम उसका टारगेट है वो देखे देन इट इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ अमाइनो असाइल टी आर एन ए टू द राइबोसो तो अभी आप लोग ये ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो पढ़ चुके हो राइट तो आपको पता है कि टी आर एन ए जो कि अमाइनो एसिड के साथ यानी एक्टिवेटेड टी आर एन ए होता है वो फिर कहाँ पे जाके बाइंड करता है राइबोसोम में क्योंकि ओबीसी वो, वो जब भी राइबोसोम से बाइंड करेगा और फिर एमएम तो ये सारा पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब टीआरएनए को बाइंड होना पड़ेगा राइबोसोम के साथ देन ओनली ये फर्दर रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी तो ये टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन है वो क्या करती है एंटीबायोटिक है वो ये अमाइनोसाइल टीआरएनए को राइबोसोम से बाइंड ही नहीं होने देती तो सीधी सी बात है कि फिर ना तो कोई अमाइनो एसिड्स आएंगे ना तो फिर उनकी डाइमर ट्राइमर और पोलीपेप्टाइड बनेगी एंड देन आफ्टर प्रोटीन सो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं होगा यानी स्टॉप हो जाएगा क्लियर तो ये पहली एंटीबायोटिक थी दूसरी है स्ट्रेप्टोमाइसिन तो अगेन इस एंटीबायोटिक की इफेक्ट क्या है या तो फिर उसका टारगेट कहां पे होता है सेल में सो इट इन ही इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक और चीज है कि ये क्या करती है सुपे इन होल जो बड़ी प्रोसेस होती है जैसे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस तो ये इनहिबिट्स इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड कॉजेटी तो ये क्या करती है पूरी प्रोसेस ट्रांसलेशन की नहीं होने देती यानी ट्रांसलेशन आपको पता है थ्री स्टेप में होता है इनिशिएशन इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन तो अगर इनिशिएशन यानी शुरुआत ही नहीं होगी तो बाकी की आगे की फर्दर प्रोसेस की तो बात ही नहीं है राइट तो क्या करता है ये स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो इट बिट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन तो इनिशिएशन प्रोसेस में कहीं पे वो रुकावट करते हैं ठीक है थर्ड है क्लोराम और इसके आप एमसीक्यू भी देखोगे मैं भी आपको एक दो एमसीक्यू है वो बताऊंगी बट आप रेफरेंस बुक में भी इसके एमसीक्यूज देखोगे that is why we are covering this, right? तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए, एक्स्ट्रा है कि ये तो नहीं पढ़ना है आप देखोगे इसके questions reference book में एंटीबायोटिक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटीबायोटिक है ना तो आपको पता होनी चाहिए एंटीबायोटिक का नाम भी और उसकी इफेक्ट भी क्लियर थर्ड है क्लोराम फेनिकोल इट इनहिबिट्स पेप्टीडाइल ट्रांसफरेजिस जो कि एंजाइम है एंड सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स तो ये क्या करता है क्लोराम तो आपको पता है वन वन जैसे कि एसिड रहता है फिर ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और बॉन्ड बना पेप्टाइड बॉन्ड्स बना देते हैं राइट तो इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिडाइल ट्रांसफर राइट तो ये क्या कर देता है क्लोराम है वो इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दे अगर ये एंजाइम ही नहीं बनेगा राइट तो जो भी टी आर एन एमाइन वैसे लरे वो आपस में कैसे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे ही नहीं तो पूरी लंबी प्रोटीन की चेन ही नहीं बनेगी क्लियर फोर्थ है इरिथ्रोमाइसिन इट इनहिबिट्स ट्रांसलेशन ऑफ राइबोसोम अलोंग द एम आर एन ए तो ये इरिथ्रोमाइसिन कहाँ पे राइबोसोम पे टारगेट करता है क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है तो एम आर एन ए पे राइबोसोम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है राइट और उसके कोडोन के अकॉर्डिंग टीआरएनए आते जाते हैं अपना एंटीकोडोन लेके और उसके हिसाब से माइनो एसिड आते जाते हैं तो ये पूरे एम आर एन ए पे राइबोसोम को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना पड़ता है right? राइट बट ये क्या कर देता है राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन भी बंद कर दे यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना राइबोसोम को एमआरएनए पर सिरक नहीं, नहीं देता ठीक है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि प्रोटीन ही नहीं बनेगा अल्टीमेटली क्योंकि अल्टीमेटली गोल ये है कि प्रोटीन नहीं बनना चाहिए Right? क्योंकि प्रोटीन बन गया तो उस बैक्टीरिया को अपने जीने के लिए जो भी चीजें बनानी थी वो बन गई तो वो हम रोक दे किसी तरह से तो वो बैक्टीरियल सेल ही सरवाइव नहीं करेगा और बॉडी सेल मान लो तो एक सेल मतलब सर्वाइव नहीं कर बैक्टीरिया अपने आप में ही मर गए इंटरेक्शन बिटवीन टीआर एंड तो बी सी एम आर एन ए पे होते हैं कोडोन उसके ऑपोजिट टी आर एन ए में होते हैं एंटी कोडोन ये दोनों बाइंड होंगे तभी जाकेमाइनो एसिड्स आएंगे राइट बट नियोमाइसिन क्या करता है इन दोनों का यानी टी आर एन एन एम आर एन ए का इंटरेक्शन नहीं होने देता है क्लियर सो दैट इज हाउ दिस काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स प्ले देयर रोल एंड हियर वी आर हियर वी द एग्जाम्पल इन प्रोटीन सिंथेसिस सो वी डिस्कस्ड सच एंटीबायोटिक्स

और उसकी वजह से आपको पता भी चले कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते तो हम लोग ये एंटीबायोटिक वाला भी एमसीक्यू देखेंगे तो आपको पता चले कि कैसे पूछा जाता है ठीक है और ये सारे टारगेट कहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी बैक्टीरियल सेल पे राइट याद रखना है आपको तो बैक्टीरिया में जो भी सिंथेसिस हो रहा है उसको हम स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि ओवीसी इन्फेक्शन उसका हो रहा है तो हम उसको ही मारेंगे है ना तो ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रुकावट कैसे की जाती है एंटीबायोटिक के थ्रू वो हम बात कर रहे थे ठीक है नाउ लेट्स सी द एमसीक्यू Okay, students, so let's start the MCQs. So, the first MCQ is the core enzyme requires a factor for termination of RNA synthesis at some sites, and this is known as. तो ये आपको पता है जैसे कि एक इनिशिएशन फैक्टर भी होता है आर एन ए पोलीमरेज में और टर्मिनेशन फैक्टर भी होता है जो कि आर एन ए को सजेस्ट करता है कि अभी उसको प्रोसेस स्टार्ट करनी है एंड अभी उसको ये प्रोसेस है वो स्टॉप कर देनी है तो स्टार्टिंग के लिए आपको पता है, होता है सिग्मा फैक्टर ठीक है एंड द एंडिंग के लिए यानी टर्मिनेशन के लिए होता है रो फैक्टर ठीक है रो फैक्टर सो द आंसर इज रो फैक्टर ठीक है सेकंड क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ये टर्मिनेशन पूछा है वो आपको खास याद रखना है ठीक है अगर इनिशिएशन पूछा होता तो आंसर आता सिग्मा फैक्टर ऑप्शन हैज द बेस सीक्वेंस ए टी सी सी ए सी जी ए सी टी ए जी एंड सेकेंड स्ट्रेंड अंडर ट्रांसक्रिप्शन वॉट वुड बी द बेस सिक्वेंस ऑन ए अब देखो इधर क्वेश्चन समझना है आपको कि एक सीक्वेंस आपको दी है क्वेश्चन ने अब फिर बोला ये है कि सेकंड स्ट्रैंड है वो जाती है ट्रांसक्रिप्शन में यानी सेकंड स्ट्रैंड है वो क्या है टेम्पलेट है ठीक है और उसमें से कौन सी सीक्वेंस एम की बनेगी अब ये क्वेश्चन आपको पूछा ठीक है ठीके? तो आपको पता ही है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के ओपोजिट की स्ट्रैंड है यानी न्यूक्लियोटाइड आती है एम के लिए सेम टेम्पलेट स्ट्रैंड के ओपोजिट ही पहली स्ट्रेंड भी होगी तो फर्क सिर्फ इतना रहेगा जो सीक्वेंस दी है आपको उसमें और जो एम आर एन ए बनेगा उसमें इंस्टेड ऑफ थान एम आर एन ए है यानी आरएनए है तो वहां पे आएगा ठीक है अदरवाइज तो सेम सीक्वेंस जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है तो आंसर क्या आएगा ए है क्वेश्चन में तो ए फिर क्वेश्चन में टी है तो टी की जगह पे आएगा यू फिर सी सी वो सेम ही रहेगा फिर ए अगेन सी जी ए सी अब वापस टी आया तो यू फिर एन जी ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए तो ये ऑप्शन थर्ड है ठीक है तो इस तरह से आप लोगों को ये आंसर्स हैं वो लिखने हैं क्लियर सो नाउ थर्ड एमसीक्यू वो हम देखते हैं कि क्या पूछा है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमाइनो एसिड गेट्स अटैच टू टी आर एन ए विद हेल्प ऑफ तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो कि हमने लास्ट लेक्चर ही खत्म किया है इस प्रोसेस का है ना अमाइनो एसिड है वो टी आर एन ए के साथ किसकी मदद से बाइंड होते हैं सो बी सी द एनजाइम अमाइनोल सिंथेटिस ऑप्शन टू तो पहला क्वेश्चन था उसमें आंसर था टू इधर थर्ड एंड हियर अगेन टू ओके नेक्स्ट देखते हैं सो हियर नाउ फोर्थ एमसीक्यू, इज़, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन एनी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑलवेज तो पहला कौन सा अमाइनो एसिड आता है ऑलवेज मिथियोनिन ठीक है बट उसमें भी अगर आप इधर देखोगे तो पहला एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम है मिथियोनिन एंड फॉर्माइलेटेड माइलेटेड अब तो आपको पता ही है ये मिथ्योनिन आएगा वो कौन सा आएगा फॉर्माइलेटेड आएगा क्यों क्योंकि आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस ये मिथ्योनिन का फॉर्माइल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता right? so है एंड देन आफ्टर द प्रोटीन विल बी एक्टिवेटेड एंड इन सम केसेस द समिथ्योनिन गेट्स रिमूव राइट सो द आंसर इज फॉर्माइलेटेड मिथ्योन ठीक है नेक्स्ट टाइम से क्यू है विच साइड ऑफ अ टी आर एन ए मोलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द एम आर एन ए मोलिक्यूल एम आर एन ए में होते हैं क्या कोडोन है ना एंड टी आर एन ए पे क्या होते हैं एंटी कोडोन तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन टू एंटी कोडोन ठीक है नेक्स्ट सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल एंटी कोडोन कैन रिकोगनाइज मोर देन वर्क वन कोडोन ऑफ एम आर एन ए फिनोमिन इज टर्म डेज ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखा था क्योंकि ये नीट का इन डिटेल क्वेश्चन है कि जैसे कि एंटी यानी होगा टी आर एन ए पे ओबीएस तो टी आर एन ए कई बार एम आर एन ए पे एम आर एन ए का जो एक थ्री लेटर कोड होता है उसको दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है तो सिंगल टी आर एन एनि सिंगल एंटी -कोड़ों, दो कोडोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हाइपोथिस ठीक है तो ये वोबल हाइपोथेसिस पूरा टॉपिक ही हमने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए देन आफ्टर द जेनेटिक कोड इज कोल्ड डीजेनरेट कोड बिकॉज क्यों ऐसा क्यों कहते हैं सो आपको पता ही है जैसे कि चार ऑप्शन हम चलो देख के देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए तो पहला है वन कोडोन हैज मेनी मीनिंग्स सो इट इज नेवर पॉसिबल राइट वन कोडोन इज स्पेशली स्पेसिफाइड फॉर ओनली वन काइंड ऑफ ओमाइनो एसिड क्योंकि एक कोडोन है जैसे कि मान लो एयूजी ठीक है तो वो दो तरह के अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता अदरवाइज टी आर एन ए कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन सा अमाइनो एसिड लाना है सो फर्स्ट इज रॉन्ग थर्ड देखते हैं वन कोडोन हैज वन मीनिंग ओके सो या ऐसा ही होता है वन कोडोन हैज वन मीनिंग ओनली राइट तो उसको डिजेनरेट नहीं बोलते फोर्थ ऑप्शन है देर आर सिक्सटी फोर कोडो प्रेजेंट ऑब्वियोर कोडोन्स ही है टोटल जिसमें से एक्टिवेटेड होते हैं सिर्फ कितने 61, क्योंकि बाकी के तीन है वो क्या है स्टॉप कोडोन्स है ये भी नहीं सेकंड ऑप्शन आप देखो मोर देन वन कोडोन हैज द सेम मीनिंग सो यस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बिकॉज तो आपको पता ही जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेके चलते हम एसिड है तो उसके लिए छह कोडोन है ठीक तो है तो यानी वन कोडोन है मोर देन वन कोडोन यानी मान लो छह कोडोन है मोर देन वन कोडोन यानी छह कोडोन हैज द सेम मीनिंग यानी ओब्वियसली वो सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं ठीक है सो द ऑप्शन वी कैन चूज दैट इज सेकेंड ठीक है नेक्स्ट एमसी क्यू देखते हैं दिस इज वेरी इजी विच कोडोन गिवस सिग्नल फॉर द स्टार्ट ऑफ इट पोलिपेप्टीन्स प्रोटीन चेन सिंथेसिस सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा आएगा तो उसका ही कोडोन होगा सबसे पहला अमाइनो एसिड आता है मिथियोनिन ठीक है मेट जिसका कोडोन है कौन सा मेट का वो है ए यू जी क्लियर तो आंसर आएगा ए यू जी ओके नेक्स्ट देखते हैं इन द लास्ट टेम सी क्यू जो कि अभी अभी जस्ट रिसेंट हमने देखा है टॉपिक वो है द ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन इन ही द प्रोसेस ऑफ तो ये हमने जितनी भी एंटीबायोटिक देखी वो सारी कहाँ पे इनहिबिशन कर रही थी प्रोटीन सिंथेसिस में ही ठीक है इसका मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस में ओके तो उसके दो ऑप्शन है वन एंड टू तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो जो भी एंटीबायोटिक्स थी वो किसके लिए थी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने थी के लिए थी राइट तो उसका मतलब वो कौन सा ट्रांसलेशन किस पे ट्रांसलेशन टैक्ट करेंगे बैक्टीरिया पे यानी प्रोकअ सो द आंसर इज सेकंड फर्स्ट उट दीक्यू नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यू टॉपिक द एमसीक्यू लेट्स सी द टूडे टॉपिक छोटा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी पार्ट है ठीक है उसका मेन एक्सम्पल है सो so, एक ये भी चीज है कि आप लोग जब भी ये लेक्चर्स देखो तो पूरे चैप्टर के सीरीज में लेक्चर्स देखना क्योंकि वन आफ्टर द अनदर लेक्चर है वो कई बार कंबाइंड कनेक्टेड होते हैं राइट तो आप अगर एक नहीं देखोगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा इतना तो जो भी कनेक्टेड लेक्चर्स है वो आप सीरीज में देखना अगर छूट भी गए हैं तो आप वापस से देख सकते हो आगे के लेक्चर्स ठीक है जैसे कि आज हम ये टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं उसका डिटेल हम लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए अदरवाइज जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे टर्म यूज करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगी कि इस टर्म का मीनिंग क्या है ठीक है ओके सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ओके तो जैसे कि आपको पता है जीन एक्सप्रेस होते हैं यानी जीन gene, जीन्स में से बनते हैं एम आर एन एम आर एन ए से बनता है प्रोटीन तो उसका रेगुलेशन भी तो कुछ होता होगा ना यानी ऐसा थोड़ी है कि बार बार प्रोटीन्स बनते ही रहेंगे कब बनना है कब नहीं बनना है कब स्टॉप करना है प्रोसेस को तो ये सारा रेगुलेशन पूरा होता है ठीक है तो उसी का हमें एग्जाम्पल पढ़ना है और कैसे ये स्टडी हुआ था वो हमें देखना है सो so, सबसे पहले है डिफरेंट जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर मेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड ऑल दिस प्रोटीन आर नॉट नीडेड एट द सेम टाइम तो ये वही बात कह रहे जो मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंट जीन्स होते है कोई भी ऑर्गेनिज्म में वो ऑब्वियसली अल्टीमेटली क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस ही करते हैं ठीक है बट ऐसा नहीं है कि हर बार ये प्रोटीन सारे कंटिन्यूस चाहिए ही ऐसा नहीं है राइट तो कब चाहिए कब नहीं चाहिए उसका रेगुलेशन होता है सो नाउ द जीन्स कोल्ड कंस्टिट्यूटिव जीन्स अब इसका रोल क्या है सो दिस जीन्स आर एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टेंटली बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंट नीडेड फॉर द सेल्यूलर एक्टिविटी तो कुछ ऐसे जींस भी है जो कि कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन प्रोसेस करते रहते हैं ऐसा क्यों क्योंकि उससे जो बनने वाली प्रोटीन यानी जो प्रोडक्ट है वो सेल को कंटिन्यूस चाहिए ही होती है तो इस तरह के जींस को बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव जींस जिसके एग्जाम्पल्स हैं जीन्स फॉर द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एंड जींस ऑफ द एटीपेज एनजेन तो ग्लाइकोलिस प्रोसेस स्टैंडर्ड इलेवंथ में आप लोग पढ़ चुके हो राइट right? वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दर इज फॉर्मेशन ऑफ टू पाइरो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो आपको ये पता होता है इलेवन है, स्टैंडर्ड में पड़ चुके सो दिस काइंड ऑफ जींस इज कॉल्ड कंस्टिट्यूटिव जींस जो की कंटिन्यूस सिंथेसिस करते रहते हैं ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं आपकेंड है नॉन कंस्टिट्यूटिव जींस ठीक है सो दिस जींस रिमेन साइलेंट एंड आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन द जीन प्रोडक्ट इज नीडेड तो कॉन्स्टिट्यूटिव यानी वो तो कंटिन्यू चालू ही रहेंगे तो उसमें कुछ रेगुलेशन नहीं चाहिए उसको चालू ही रखना है जीन को उस प्रोसेस को स्विच ऑन ही रखना है ठीक है इसमें वर्ड यूज होता है स्विच ऑन एंड ऑफ तो जैसे कि हम लोग लाइट्स वगैरह ऑन करते ऑफ करते सेम भी जीन्स भी स्विच ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूटिव मींस वो कंटिन्यूस होनी रहता है तो उसमें ऑन ऑफ का रेगुलशन नहीं चाहिए बट इधर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव ये तभी स्विच ऑन होंगे जब उसकी जरूरत है यानी उसमें से प्रोडक्ट बनानी है तभी जाके ये स्विच ऑन होंगे ठीक है सो दे आर स्विच ऑन और ऑफ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज तो जिस हिसाब से सेल को प्रोटीन चाहिए या नहीं चाहिए उसके बेसिस पे इस जीन की भी एक्टिविटी है वो रेगुलेट होती है ठीक है so सो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो पहला है द एंजाइम्स नीडेड फॉर द सीडलिंग ग्रोथ में नॉट बी नीडेड इन एडल तो ये प्लांट का एग्जाम्पल है कि जैसे कि प्लांट में सीडलिंग के टाइम यानी सीड जब हम ग्रो करवाते हैं तब के टाइम जो एंजाइम्स चाहिए यानी सीड को तोड़ के जो लीव्स वगैरह फर्स्ट लीव्स वगैरह बाहर आते हैं उसको जो एंजाइम चाहिए वो भी सी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ होल हर्ब और ट्री तब ये नहीं चाहिए सिर्फ जब सीड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो भी एडल्ट होने के बाद उस ट्री को नहीं चाहिए है तो वहां पे भी रेगुलेशन चाहिए होगा कि पहले एंजाम चाहिए था फिर अभी एंजाइम्स नहीं चाहिए तो स्विच ऑफ करने हैं उस जीन्स को राइट right? क्योंकि वो एंजाइम अब नहीं चाहिए सेम वे दूसरा एग्जाम्पल है एंजाइम्स नीडेड फॉर द फ्लावर डेवलपमेंट वुड नॉट बी नीडेड एट दिग्लिंग स्टेज तो ये भी है जैसे कि फ्लावर फॉर्मेशन और फ्लावर को ग्रो करवाने में ब्लूम करवाने में जो एंजाइम्स जरूरी होते हैं प्लांट में ओबियस उसकी जरूरत सीडलिंग के टाइम पे नहीं होती यानी अब जब हम सीड को ग्रो करवाते हैं प्लांटेशन के लिए तो वहां पे ये फ्लावरिंग के एंजाइम नहीं एक्टिवेट होते वो कब एक्टिवेट होंगे जब फ्लावर्स आना स्टार्ट होंगे यानी बर्ड पहले आना स्टार्ट हो जाएगी क्लियर तो ये क्लियर मीनिंग है इसका कि कुछ ऐसे भी जीन्स हैं जिसकी प्रोडक्ट हमें कंटिन्यूअस नहीं चाहिए होती है यानी किसी ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअस नहीं चाहिए उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है ठीक है सो दिस काइंड ऑफ नॉन कंस्ट्रीन्स आर ऑफ टू टाइप्स पहला होता है इंड्यूसिबल और दूसरा है रिप्रेसिबल तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे इंड्यूसिबल का टीटे में नेक्स्ट लेक्चर में अभी के लिए सिर्फ आप याद रखो कि इसके दो टाइप होते हैं इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल

एक इंड्यूसर चाहिए होता है ठीक है जो कि स्विच ऑन करके जाए इन नेक्स्ट ऑफन एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबोलिज्म इनहिबिट्सर एक्टिविटी अब ये रिप्रेसिबल जींस क्या है तो ये कंटिन्यूस अपनी सिंथेसिस है वो, अपना यानी एक्सप्रेशन है वो चालू ही रखेंगे कब तक जब प्रोडक्ट है वो एक्स्ट्रा नहीं बन जाए तो इसको फीडबैक मिकेनिज्म भी बोलते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में अभी के लिए आपको शॉर्टली बता दू इस पॉइंट का मीनिंग समझाने के लिए कि अभी जैसे कि हमने देखा कि इंड्यूसिबल जींस यानी उसको तो स्विच ऑन हम करते हैं ठीक है थीके? तब जाके ऑन होता है और स्टॉप हो जाता है ये रिप्लेसिबल जीन्स कैसे कि वो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट बनाना चालू ही रखते हैं उसको ऑन नहीं करना पड़ता उसको ऑफ करना पड़ता है ऑन तो होते ही रहता है ठीक है ऑन ऑन ही रहेंगे हम नहीं चाहिए हमें जब तब तो उसको ऑफ करना है और इंड्यूसिबल मतलब कैसा कि जब भी वो प्रोडक्ट चाहिए तो उस जीन को स्विच ऑन करनी है आए समझ में तो ये डिफरेंस है तो यानी एक में ऑन की मेकेनिज्म लगती है दूसरे में ऑफ की मेकेनिज्म लगती है ठीक है तो ये रिप्रेसिबल जींस यानी उसको बंद करना पड़ता है ठीक यानी वो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट बनाते रहेंगे तो अब ये कैसे होता है जैसे कि मान लो कोई प्रो, आ, प्रोटीन बन रहा है तो उसकी टेन् स्ट्रेंड्स ही चाहिए सेल को ठीक है तो वो तो अपना काम चालू ही रखेगा कंटिन्यूस उसको बंद करना पड़ता है तो टेन के बाद जब इलेवेंथ स्ट्रेंड बनती है उस प्रोटीन की वो चाहे कुछ भी हो प्रोटीन वो एंजाइम हो मेटाबोलिक बोलिक हो कुछ भी हो ठीक है प्रोटीन हम बोल के चलते हैं। तो ये प्रोटीन की टेंथ स्ट्रेंड ही चाहिए अब मान लो ग्यारह गई तो यानी इलेवंथ मोलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा बचेगा है ना उसकी रिक्वायरमेंट तो थी नहीं तो यही जो एक्स्ट्रा बचा हुआ मोलिक्यूल है वही जाके एक्ट करेगा एज ए रिप्रेसिबल इफेक्ट ठीक है और वही ये सिग्नल देगा यानी वही खुद अपने जीन को है वो स्विच ऑफ करेगा कि अब जरूरत नहीं है मैं भी एक्स्ट्रा हूं ठीक है तो उस हिसाब से ये जीन से वो अपना काम करना बंद करते हैं हैं यानी स्विच ऑफ होते क्लियर तो इस तरह से ये है वो पूरी वर्क करती है एंड इसी को बोलते हैं सो इनहिबिशन बाय एन एंड प्रोडक्ट इज नोन एज फीडबैक रिप्रेशन और फीडबैक इनहिबिशन ये याद रखना है आपको एमसीक्यू लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन फीडबैक रिप्रेशन इन टू मार्क्स ठीक है थियोरिटिकल तो आपको यह सब याद रखना है तो इनहिबिशन बाय एंड प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट बनती है वही खुद अपने आप अपने जीन को जाके ऑफ करेगी कब ऑफ करेगी जब वो एक्स्ट्रा बच जाएगी यानी सेल को अब रिक्वायरमेंट नहीं यानी वो मोलिक्यूल बचेंगे सेल में यूटिलाइज नहीं होंगे तो वही बचे हुए मोलिक्यूल ही जाके सिग्नल देते हैं कि बस अब बनाना बंद कर दो ठीक है दैट इज कॉल्ड फीडबैक रिप्रेशन नाउ रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट अ वेरियस लेवल जैसे कि रेगुलेशन ऑफ बी सी वो बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है राइट right? तो कौन कौन से लेवल पे अब ये रेगुलेशन होते हैं सो जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेपर ये हम बताइए जीन एक्सप्रेस होते हैं तो उसका रिजल्ट यानी अल्टीमेटली क्या बनता है प्रोटीन ही तो बनता है एंड प्रोडक्ट ही बनती तो ये रेगुलेशन कहाँ पे होते हैं तो उसके कुछ एग्जांपल हैं इन यू कैरियोर्स द रेगुलेशन कुड बी एग्जॉटेड एट तो ये चार लेवल पे यू में रेगुलेशन होते हैं कहाँ कहाँ पे तो पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तो पहला रेगुलेशन जीन का यानी अगर प्रोटीन नहीं बनाना है तो पहले उसको उसके ऊपर रेगुलेशन यानी एक्टिविटी कहाँ पे की जाएगी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही यानी एम आर एन एम ही नहीं बनेगा अगर तो कहां से प्रोटीन बनेगा तो इस तरह से हम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है यूकेरियोटिक सेल में तो पहला टारगेट क्या होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे यानी एम आर एन ए ही नहीं बनने देना ठीक है दूसरा टारगेट है प्रोसेसिंग लेवल यानी रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग तो अभी एम आर एन ए तो बन गया वहां पे कोई रुकावट नहीं आएगी पर ये अभी कहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है स्प्लाइसिंग तो आपको पता है जब ये एम आर एन ए बनता है तब वो एच एन आर एन ए होता है ठीक है उसके ऊपर थ्री थ्री प्रोसेस होती है मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि है स्प्लाइसिंग कैपिंग एंड टेलिंग तो उसमें से ये स्प्लाइसिंग है वो नहीं होने देते तो प्रोसेसिंग है वो अगर मान लो नहीं होती तो वो एम आर एन ए मैच्योर एम आर एन यानी एक्टिवेटेड एम आर एन ए नहीं है अभी तक बना तो अगर ये एक्टिवेटेड नहीं है तो भी इस उसमें से कहाँ से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा ठीक है सो दट सेकेंड टारगेट इज प्रोसेसिंग लेवल और वो भी कौन सी प्रोसेस स्प्लाइसिंग थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ एम आर एन ए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म अब थर्ड टारगेट होता है कि जैसे कि आपको पता है एम आर एन ए बनता है न्यूक्लियस के अंदर और वो फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आता है साइटोप्लाज्म में क्यों क्योंकि साइटोप्लाजम में बाकी की मशीनरी है जिसमें से प्रोटीन बन सकता है तो अगर मान लो हम एम को न्यूक्लियस से बाहर ही ना आने दे तो तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा राइट एंड ओब्वियसली सो उसे जो प्रोडक्ट नहीं बनानी है तो वो बनना स्टॉप हो जाएगी तो थर्ड टारगेट है यूके के में रेगुलेशन का ट्रांसपोर्ट ऑफ एम फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाजम एंड द लास्ट यानी फोर्थ टारगेट की अगर हम बात करें तो वो है ट्रांसलेशन लेवल पर बन जाएगा उसमें कुछ रुकावट नहीं आएगी मॉडिफिकेशंस भी हो जाएंगे उसमें रुकावट नहीं आएगी बट अब जो एम आर में से बन रहा है प्रोटीन वहां पे होंगे और प्रोटीन है वो नहीं बनेगा किसी ना किसी तरह से ठीक है सो दिस आर मेन ब्रॉड फोर रीजियंस वेर द रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन हाउ होल Place, अभी उसका एक हम में ऐसी बहुत सारी लेंथी प्रोसेस है जो कि इम्पोर्टेंट है जैसे कि हमने सबसे पहली पढ़ी थी डीएनए रेप्लीकेशन सेकेंड था ट्रांसक्रिप्शन यानी हमारे ने बनना थर्ड था ट्रांसलेशन बट ट्रांसलेशन से पहले भी हमने कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग यानी मशीनरी के टॉपिक्स देखे थे वो भी सारे इम्पोर्टेंट थे यानी आर आर एन ए टी आर एन एम आर एन एंड द जेनेटिक कोड ठीक है तो ये सारे लेंथी थ्योरीज हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं ठीक है दिस आर द बेसिक्स ऑफ योर जेनेटिक्स तो फर्दर भी आगे स्टडी में जाओगे बेसिक्स हैं वो सेम ही रहेंगे है ना तो ये आपको ये सारे फिफ्थ एंड सिक्स जेनेटिक्स के चैप्टर हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं और वो प्रोसेस को समझना भी है ठीक है तो नेक्स्ट हम डिटेल में इसके एग्जाम्पल यानी जीन रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे अभी के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू